स्टडी टू विन में आपका स्वागत है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो लूशन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। बास्केटबॉल, इस खेल का आविष्कार जेम्स नेस्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया। इसके अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1935 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन FIBA के नाम से हुई। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल सन 1930 में खेला गया। इसका पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 ईस्वी में आयोजित हुआ। परिमाप, कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर, बास्केट की ऊंचाई जमीन से 3.05 मीटर, बास्केटबॉल का वजन 650 ग्राम। खेल शब्दावली, रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप अप, टिप ऑफ, पिक, पिनोट, की होल आदि। आगे है बैडमिंटन। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। इसका सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। परिमाप, कोर्ट की लंबाई 44 फीट, कोर्ट की चौड़ाई 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट, कॉक का वजन 7.74 से 5.51 ग्राम, रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच। प्रमुख खेल की शब्दावली, कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लब, लेट, लबाल इत्यादि। आगे है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में की गई। इसका परिमाप है, मैदान की लंबाई 78 फीट एकल, मैदान की चौड़ाई 27 फीट से 36 फीट, युगल एकल के लिए 27 फीट और युगल के लिए 36 फीट, नेट की ऊंचाई 3 फीट, गेंद का वजन 56.7 से 58.5 ग्राम, रैकेट का अधिकतम लंबाई 32 इंच, गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला। प्रमुख खेल शब्दावली, बैंक, हेड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई वेकर, लब, चेंज, सेट इन आउट। पोलो, आमतौर से यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ था। फारस में 525 ईस्वी ईसा पूर्व में पुलू के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में हुआ, असम के कछार में हुआ। भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड में ले जाया गया। परिमाप, खेल के मैदान की लंबाई 300 गज, खेल के मैदान की चौड़ाई 150 गज, गोलों के बीच का फासला 250 गज, गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई 8 गज। प्रमुख खेल शब्दावली, बंकर, चकर, मैलेट, बंडर, चुक्का, एरिसरेल, एंगल शॉट इत्यादि। एथलेटिक्स, पहला ओलंपिक जो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था उसमें यह एकमात्र खेल था। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में होमर द्वारा लिखित इलियड में पैदल दौड़ का वर्णन मिलता है। एथलेटिक्स इंग्लैंड में ईसा बाद 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमच्योर फेडरेशन IAAF की स्थापना 16 देशों ने मिलकर 1912 ईस्वी में बनाया था। यह संघ प्रति 4 वर्ष पर विश्व चैंपियनशिप कराती है। डेकाथलोन, यह पुरुषों की प्रतियोगिता है जिसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुल 110 मीटर, बाधा दौड़, डिस्क थ्रो, पोल वोल्ट, जेवलिन थ्रो सम्मिलित है जो 2 दिनों तक चलता है। हेप्टाथलोन, यह महिलाओं की प्रतियोगिता है जिसमें 7 खेल 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्ट पुल 200 मीटर दौड़, लंबी कूद 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिन थ्रो सम्मिलित है। पेंटाथलोन, 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें ऊंची कूद, जैवलिन थ्रो 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। स्टीपलेच
स्टिपलचस या दौड़ सामान्यतः 3000 मीटर की दूरी पर होती है, जिसमें बाधाएं हार्डलस एवं पानी के रूप में होती हैं। इसे पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है। शॉट पुट या इस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। पोल वॉल्ट, इस खेल में एथलीट पतले डंडे की सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है। डिस्कस थ्रो, इसमें तस्तरी के आकार का डिस्कस होता है, जिसे एथलीट एक हाथ में डेढ़ चक्कर घूमने के बाद फेंकता है। कुश्ती, ईसा पूर्व 708 में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर कुश्ती के 50 प्रकार होते हैं। ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मोचर होती है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे FILA है। परिमाप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 मीटर ब्यास की एक गोलाकार प्रतियोगिता, क्षेत्र में 1 मीटर ब्यास का एक केंद्रीय वृत्त, गद्दे पर आयोजित मुकाबले, 1:1 मीटर ब्यास का ऊंचा गद्दा। प्रमुख खेल शब्दावली हीव, हाफ नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन, टाइमकीपर, डॉग फॉल, मैट, ब्रिज, काशन, एक्टिव, अटैक, रिबाउट, होल्ड, हेडलॉक इत्यादि। अगला है शतरंज। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा पूर्व 7वीं सदी में शुरू हुआ था। ईसा बाद 7वीं सदी में शुरू हुआ था। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे FIDE इस खेल को नियंत्रित करती है। यह 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है। खेल के सामान, इसके बोर्ड के चेकर बोर्ड कहते हैं। इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं, जिसमें 64 वर्ग बने होते हैं, जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर, 8 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इसके वर्ग 2 विपरीत रंगों में रंगे होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमेट होते हैं। प्रमुख खेल शब्दावली बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेपलमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक आदि। गोल्फ, आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। आधुनिक गोल्फ में पुरुषों का ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका PGA चैंपियनशिप। टी वह समतल भूमि जहाँ से पतला शॉट लगाया जाता है। परिमाप, गोल्फ कोर्स में 125 से 175 एकड़ तक होता है। बॉल का वजन 45.9 ग्राम और परिधि 44.27 सेंटीमीटर होता है। छिद्र का ब्यास 4 इंच। प्रमुख खेल शब्दावली बोगी, फोरसम, स्टाइमिटी, पुटहॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, वंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट आदि। अब आते हैं वाटर पोलो। यह खेल 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में शुरू हुआ। इस खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। पहली आधिकारिक प्रतियोगिता सन 1874 में लंदन में हुई, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 ईस्वी में इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन 1850 ईस्वी में खेल के नियम बनाने के लिए हुआ था। परिमाप, इसके लिए 20 से 30 मीटर लंबा एवं 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र होना चाहिए। गेंद का वजन 400 से 450 ग्राम तक होना चाहिए। गोल पोस्ट सामान्यतः 3 मीटर चौड़ा तथा पानी की सतह 0.9 मीटर ऊंचा होना चाहिए। प्रमुख खेल शब्दावली 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपस, पर्सनल फॉल्ट, बॉल अंडर, इसरलेशिंग आदि। बेसबॉल, यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज अबनेर डबलडे ने सन 1839 ईस्वी में की। इस खेल के नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा। वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है पिचर कहलाता है। परिमाप, बैट गोली होता है जिसकी लंबाई 42 इंच तथा ब्यास 2.75 इंच मोटे भाग की ओर होता है। प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट, बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट। प्रमुख खेल शब्दावली होम डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन आउट, स्ट्राइकर एंड रबर। बिलियर्ड्स, वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल से को नियंत्रित करती है।
परिमापी स्केल में टेबल सामान्यतः 3.7 मीटर लंबा तथा 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी गेंद हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है जिसका वजन 150 से 210 ग्राम होता है। क्यों मजबूत लकड़ी का बना होता है। इसकी लंबाई 90 से 145 मीटर के बीच होती है। प्रमुख खेल शब्दावली क्यू जिगर ब्रेक पॉट इनलक इंस ऑफ कैंसा वोल्टिंग हैजार्ड राइफल शूटिंग। प्रमुख खेल शब्दावली टारगेट बुलसाई मजलस फलग स्कीट शूटिंग ट्रेच शूटिंग आदि। खो 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 मैदान 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ी होती है जबकि इस मैदान की कुल लंबाई 29 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होती है। प्रमुख खेल शब्दावली चेंज एक्टिव चेजर रनर्स फ्रिजोपोन कासलेन आदि। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमच्योर फिना तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को संचालित करती है। तैराकी लंबी दूरी की तैराकी के लिए 50 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 6, 8, 10 लेन होनी चाहिए। छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 4, 5 या 8 लेन होनी चाहिए। जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए। इसका तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास होना चाहिए। प्रमुख खेल शब्दावली फ्रंट कॉल क्रॉल वेस्ट स्ट्रोक स्प्रिंग बोर्ड ट्विस्ट बटरफ्लाई जेन स्ट्रोक बैंक स्ट्रोक इत्यादि। आगे मुक्केबाजी रिंग की लंबाई चौड़ाई कम से कम 4.9 × 4.9 एम स्क्वायर तथा अधिक से अधिक 6.10 × 6.10 एम स्क्वायर। प्रमुख खेल शब्दावली पंच अपरकट राउंड जैब हुक नॉक डाउन नॉक आउट हिटिंग बिल्लो रिंग ब्रेक वेल बेल्ट ब्लो बाउंस आदि। मैराथन दौड़ मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर। विभिन्न खेलों तथा उनसे संबद्ध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां संबद्ध कप एवं ट्रॉफियां हॉकी वेटन कप रंगास्वामी कप आगा खा कप बेगम रसूल ट्रॉफी महिला महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला गुरु नानक चैंपियन महिला के लिए ध्यानचंद ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी सिंधिया गोल्ड कप मुरुगप्पा गोल्ड कप वेलिंगटन कप इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फुटबॉल के लिए DCM ट्रॉफी डूरंड कप रोवर्स कप BC रॉय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप IFA शील्ड सुब्रतो मुखर्जी कप सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी मर्डेका कप आदि। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप ईरानी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी CK नायडू ट्रॉफी रानी झांसी ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी GD बिरला ट्रॉफी रोहिंटन वारियर ट्रॉफी इत्यादि। टेबल टेनिस बार्नवेले कप पुरुषों के लिए जय लक्ष्मी कप महिलाओं के लिए राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला के लिए रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष के लिए। बैडमिंटन नारंग कप चड्ढा कप अमृत दीवान कप इत्यादि। बास्केटबॉल बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप नेहरू कप फेडरेशन कप इत्यादि। ब्रिज रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी होलकर ट्रॉफी इत्यादि। पोलो एजार कप पृथ्वीपाल सिंह कप राधामोहन कप क्लासिकल कप गोल्फ वॉकर कप सर्किट कप राइडर कप डनहिल कप। नोट टेबल टेनिस का कॉर्विलान कप महिलाओं के लिए स्वेथलिंग कप पुरुषों का विश्व कप है। प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उनसे संबंधित खेल इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम दिल्ली में है। यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। शिवाजी स्टेडियम हॉकी दिल्ली में है। युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल के लिए जो कि कोलकाता में है। इसे सॉल्ट स्टेडियम भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए जो कि मुंबई में है। ईडन गार्डन क्रिकेट कोलकाता में है। कीनन स्टेडियम क्रिकेट जमशेदपुर में। इप्सम डर्बी रेस ब्रिटेन में है। लॉर्ड्स ओवल लीड्स क्रिकेट ब्रिटेन में है। विंबलडन लॉन टेनिस लंदन में है। ब्रुकलैंड फुटबॉल इंग्लैंड में है। पटनी मार्टलेक नौका दौड़ इंग्लैंड में है। इंट्रिक घुड़दौड़ इंग्लैंड में है। हर्लिंगम पोलो इंग्लैंड में है। ब्रुकलिन बेसबॉल न्यूयॉर्क में है। सैंडी लॉज
गोल्फ के लिए स्कॉटलैंड में है जेएल नेहरू स्टेडियम, एथलेटिक्स दिल्ली में है पर्थ, विस्ब्रेन मेलबर्न, क्रिकेट के लिए है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है अंबेडकर स्टेडियम, फुटबॉल दिल्ली में है, नेशनल स्टेडियम हॉकी दिल्ली में है, नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए मुंबई में है, ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए कानपुर में है, बाराबती स्टेडियम क्रिकेट कटक में है, हिंडिंगले मैनचेस्टर क्रिकेट ब्रिटेन में है, ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल लंदन में है, बॉम्बे स्टेडियम फुटबॉल लंदन में है, ट्विंकल हम रग्बी फुटबॉल इंग्लैंड में है, टेंटब्रिज क्रिकेट इंग्लैंड में है, व्हाइट सिटी कुत्तों की दौड़ इंग्लैंड में है, यंकी स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क में है, फोर्स्ट हिल टेनिस के लिए न्यूयॉर्क में है, फिरोसा कोटला मैदान क्रिकेट के लिए जो कि दिल्ली में है, चेपक स्टेडियम क्रिकेट के लिए जो कि चेन्नई में है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल यूएसए बेसबॉल, स्पेन साड़ युद्ध, कनाडा आइस हॉकी, वर्तमान में कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया है, भारत हॉकी, रूस फुटबॉल शतरंज, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट, जापान जूडो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, मलेशिया बैडमिंटन, चीन टेबल टेनिस, इंडोनेशिया बैडमिंटन, भूटान तीरंदाजी, ब्राज़ील फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल। विभिन्न खेलों के परिसर जिसमें डायमंड बेसबॉल के लिए, कोर्स गोल्फ के लिए, बोर्ड टेबल टेनिस के लिए, मैट जूडो कराटे ताइक्वांडो बेलोड्रन साइकिलिंग के लिए, ट्रैक एथलेटिक्स रेंज निशानेबाजी तीरंदाजी, कोर्ट टेनिस बैडमिंटन नेटबॉल खो खो स्क्वैश कबड्डी हैंडबॉल वॉलीबॉल, रिंग स्केटिंग मुक्केबाजी पुल तैराकी एली बाउलिंग एरिना घुड़सवारी, फील्ड पोलो फुटबॉल हॉकी, पिच क्रिकेट रग्बी रिंग कर्लिंग आइस हॉकी ग्रीन्स बाउल्स के लिए। प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो 4, वाटर पोलो 7, खो खो 9, कबड्डी 7, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट 11 खिलाड़ी, नेटबॉल 7, वॉलीबॉल 6, टेबल टेनिस टेनिस या टेबल टेनिस 1 या 2, बास्केटबॉल 5, जिमनास्टिक 8। अब आगे है खेलों से संबंधित पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सन 1891 से 92 में आरंभ किया गया है। इसके तहत नगद पुरस्कार 7.5 लाख रुपए दिए जाता है या किसी वर्ष में किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेलों में इसकी उसकी उपलब्धि पर सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। 2017 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो हॉकी प्लेयर जो हैं सरदार को मिला है और दिवेंद्र झझरिया को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गई। यह चल बैजंती रोलिंग ट्रॉफी है और यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स के में सर्वप्रथम समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, इसे वर्ष 2002 में गठित किया गया। इसमें नगद पुरस्कार 2 लाख रुपए हैं। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, इसे 1961 में आरंभ किया गया। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्षों में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व खेल भावना और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 2000 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप विभाग, स्वदेशी खेल एवं शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं।
द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में आरंभ किया गया। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया है। इसमें 5,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार। चैंपियनशिप खेल का नाम, प्रथम स्थान स्वर्ण पदक, द्वितीय स्थान रजत पदक और तृतीय स्थान को कांस्य पदक। ओलंपिक खेल जीतने पर 50,00,000 रुपये प्रथम स्वर्ण पदक मिलने पर, 30,00,000 रजत पदक मिलने पर और कांस्य पदक मिलने पर 20,00,000 रुपये। विश्व कप एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल के लिए स्वर्ण पदक वाले को 10,00,000 रुपये और रजत पदक वाले को 5,00,000 रुपये एंड कांस्य पदक जीतने वाले को 3,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। एशियाई एवं राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के लिए स्वर्ण पदक वाले को 3,00,000 रुपये और रजत पदक वाले को 2,00,000 रुपये एंड कांस्य पदक जीतने वाले को 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 20,00,000, 15,00,000 एवं 6,00,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ओलंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल एवं पैरालिंपिक्स में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 30 साल तक की उम्र के बाद सक्रिय खेल जीवन से अवकाश लेने के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। प्रतियोगिता ओलंपिक खेल में पदक विजेता को 10,000 रुपये, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को 8,000 रुपये, रजत एवं कांस्य पदक विजेता को 7,000 रुपये, एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक वाले को 7,000 रुपये, रजत और कांस्य पदक विजेता को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। पैरालंपिक्स खेल में स्वर्ण वाले को 5,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 4,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 3,000 रुपये। इसके साथ ही हमारा विविध का जो पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।